क्या आपको नहीं पता कि किसी खाने की चीज को खाया जाता है? क्या आपको ये भी नहीं पता कि नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं? तो आपके इस टैलेंट की YouTube को सख्त जरूरत है। अगर आप में है वो बात तो आप बन सकते हैं द नेक्स्ट वायरल इंटरनेट स्टार। फॉरेन में यूट्यूबर्स अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही क्रिएटिव दिमाग है उनका और ऐसे क्रिएटिव दिमाग से ऐसे आइडियाज निकल के आते हैं। The same shape as a frisbee, so yeah. It has to work. Yeah, right? I mean it should work. Like the physics makes sense. फ्रिस्बी विद अ पिज्जा, फिजिक्स, द फिजिक्स मेक्स सेंस। वाओ यार, हमने कभी इतना दिमाग क्यों नहीं लगाया? काश हमें भी कोई सिखा देता कि यार पिज्जा को फ्रिस्बी जैसे उड़ाओ। ओह, इसीलिए नहीं सिखाया। फिजिक्स मेक्स सेंस। तो ये भी नीचे से गोल है, फेंको। फिजिक्स। तो इस बार उन्होंने उससे भी ज्यादा हाई लेवल की फिजिक्स यूज करने की कोशिश की है, पिज्जा को डब्बे में डाल के उड़ाने की कोशिश की, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार होती है, कभी कभी कोशिश करने वालों की हार भी होती है। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स मेक्स सेंस। बचपन में वो गेम याद है जिसमें हम एक स्माइली बॉल लेके एक दूसरे को पेलते थे? वही सेम गेम ये लोग स्टारबक्स कॉफी से खेलते हैं। मतलब बड़े अजीब और अमीरों वाले शौक है इनके। कई बार ये टाइटल में लिख देंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिज्जा चैलेंज। अब इसको देख के एक नॉर्मल आदमी सोचेगा कि ये लोग एक बहुत बड़ा पिज्जा खाने वाले हैं। वो बड़ा पिज्जा ऑर्डर तो होता है बट सिर्फ दो स्लाइसेस खा के ये लोग बोलते हैं बाकी पैक कर दो। Okay, let's pack this up. तो फायदा क्या हुआ? मतलब चैलेंज रखा ही क्यों अगर करना नहीं था? हमारा ऐसा नहीं है, बंदे ने बोला वो बाहुबली थाली चैलेंज लेगा तो मतलब पूरा बाहुबली थाली ठूसेगा। ये पैक वैक नहीं करते यार, हम लोग पूरा खाते हैं। इतने खाने की बर्बादी से भी ये लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। इन्होंने सोचा कि खाना तो सब खाते हैं, क्यों ना हम खाने से नहाए। फिर तो भाई इस आइडिया ने यूट्यूब पे आग लगा दी। मतलब बड़े से बड़े यूट्यूबर्स भी सडनली नहाने में इतना ध्यान देने लगे। जैसे ये देखो, पूरा पूल भर के कोक और बर्फ रेडी। Imagine just swimming in this. Wow. भाई कोक और बर्फ देख के स्विमिंग करने का ख्याल, ये तो कुछ नया है। How does this feel? Feels like I'm in a pool of coke, man. Wow. काफी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। भाई साहब बोलते हैं कि कोक के पूल में नहा के ऐसा लग रहा है कि वो कोक के पूल में नहा रहे हैं। How does this feel? Feels like I'm in a pool of coke, man. Wow. वे सुनना, पानी का टेस्ट कैसा है? यार बिल्कुल पानी जैसा है। तेरे सर पे बालों के साथ कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर पे बाल है। मतलब बेवकूफी की हदें पार हो गई। इन वीडियोस में क्या होता है मैं बता। पहले ये लोग बहुत सारा खाना लेते हैं और उसे टब में भरते हैं। ओ भाई किधर डाल रहा है? टब में डालने की बात हुई थी, टब नीचे। अब उसको खाना मत। और खाने को टब में डालते हुए ये लोग दिखाएंगे जबरदस्ती की एक्साइटमेंट। भाई दूध ही डाल रहा है, कुछ और है? ऐसी एक्साइटमेंट दूध से नहीं आती भाई। टब रेडी होने के बाद ये लोग खाने में डाइव करते हैं और इतना गंदा डाइविंग का प्रदर्शन ना हम लोग ने लाइफ में नहीं देखा। ये क्रिएटिव दिमाग वाले डस्टबिन में आइस टी बनाते हैं। तो एक बार चार पांच लोगों ने इसमें अपनी बदन की गंदगी निकाल दी, फिर सब मिलके ड्रिंक को स्ट्रॉ से पी के एंजॉय करते हैं। वाह क्या टेस्ट है। लगता है ऐसे खुद का टेस्ट कुछ पसंद नहीं है। ये बंदा 140 पैकेट के नूडल्स बनाता है टब में। बॉइलिंग वाटर प्लस मसाला प्लस नूडल्स, पूरा प्रोसेस फॉलो करके जैसे कि भाई साहब खाने वाले हैं। बट अंत में करना यही है। आपको याद होगा कि मैथ्स में प्रॉब्लम्स हुआ करते थे कि अब बॉय बाइज 100 वाटरमेलन्स, तो हम सोचते थे कि कौन सा गधा 100 वाटरमेलन्स खरीदता है। आज पता चल गया किसकी बात हो रही थी। ये यही है वो इंसान। खाने से बोर होके अब ये टब में सांपों और कुत्तों के साथ नहा रहा है। पीटा वाले का है? हर चीज नहाना नहीं होता है यार, इतना पागल हो चुका है ना ये आदमी कि अब पानी से नहाना भी एक वीडियो है। अल्टीमेट वाटर बेथिंग चैलेंज, 4 मिलियन व्यूज। ये ऐसा बंदा है ना जो सिर्फ बैठा भी हो ना तो बेदिंग विद एयर चैलेंज लिख के वीडियो यूट्यूब पे डाल दे। हाय गाइस, वेलकम टू द बेदिंग इन एयर चैलेंज। इसके लिए आपको चाहिए बहुत सारी हवा जिसको आप कहीं से भी ले सकते हैं। बस ये देखना है कि वो फ्रेश हो और ये ना हो। हमें नहाना है हवा में, सो इट नीड्स टू बी ऑफ द राइट टेम्परेचर।
इसको बकेट में डालिए थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वाओ वाओ, ओ कितनी हवा। मेरे को नहीं पता था हवा ऐसी दिखती है। आज हम इसी हवा में नहाने वाले हैं गाइस। सही है, थोड़ा और लेके आता हूँ। इसके बाद आपको नहाना है। सूत्रों के अनुसार दुनिया के कई लौंडे हवा से ही नहाते हैं। ऐसे नहाने के लिए आपको कपड़े भी नहीं निकालने पड़ते। अब आएगा वीडियो में घटिया सा डाइव और अब मैं इसी हवा को खाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई बेदिंग चैलेंज गाइज। अपना और समय बर्बाद करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि वो लोग इतना सारा खर्चा करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, इतना सारा खाना लेके आते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसे कहते हैं गुड इन्वेस्टमेंट। मैं आपको इनके व्यूज बताती हूँ। 23 मिलियन, 50 मिलियन, 27 मिलियन, आई मीन 10 मिलियन से नीचे तो ये लोग बात भी नहीं करते। इंडिया में एड रेट्स कम है तो शायद यहाँ कोई ऐसा वीडियो बनाए तो उसका नुकसान हो सकता है। बट आई एम श्योर वो दिन दूर नहीं जब हम इंडियंस को सांबर, कड़ी, राजमा इन सब में नहाते हुए देखेंगे और ये सारी वीडियो ट्रेंडिंग पे होगी। बट ऑन अ सीरियस नोट गाइस, खाना ऐसे वेस्ट कभी मत करना। लाइक्स और व्यूज से बढ़ के भी कुछ चीजें होती है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक, कॉमेंट और शेयर भी कर ही दो। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। Physics makes sense.